हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे मूली के स्टफ्ड परांठे। मूली के लाजवाब स्वादिष्ट परांठे सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जो स्टफ्ड परांठों के अंदर है, जिसे कहते हैं किंग ऑफ स्टफ्ड परांठा, वो सिर्फ आलू का परांठा है। पर जैसे जैसे सर्दियां आती हैं तो सिर्फ हमें मूली के परांठे ही याद आते हैं। दैट इज़ वेरी टेस्टी। और अगर ये गर्म गर्म चाय के साथ मिल जाए ना, तो कॉम्बिनेशन इसका कुछ और है, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल मूली के परांठे। तो सबसे पहले हम इसके लिए मूली को कद्दूकस करेंगे। हमने दो बड़ी बड़ी साइज़ की मूलियाँ ले ली हैं, और अब हम इसे करेंगे ग्रेट। आप ग्रेट करने के लिए इसे छोटी वाली साइड से भी ग्रेट कर सकते हैं, पर जो थोड़ी सी बड़ी वाली साइड है ना, इससे करोगे तो थोड़ा सा जब हम बाइट लेते हैं ना, उसका जो क्रंच आता है मुँह में, दैट इज़ वेरी नाइस, और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी साइड से और इसी तरीके से हम दोनों जो हमारी मूलियाँ हैं उन्हें कद्दूकस करेंगे। और कद्दूकस करने के बाद हम इन्हें करेंगे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है ना, वो निकल जाए। हमारी मूलियाँ लगभग कद्दूकस हो चुकी हैं। अब जो मूलियाँ हैं हमारी, अब हम उसका निकालेंगे एक्स्ट्रा पानी। इस तरीके से थोड़ा सा जो मूली है उसे हाथ में ले लें, और हल्के हाथ उसे दबाते हुए ना उसका पानी निकाल दें, क्योंकि एक तो उसका टेस्ट बहुत शार्प होता है, हल्का सी जो कड़वाहट होती है ना, वो निकल जाएगी। और दूसरा, ये हमारे जो परांठे हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं। तो हमने इस तरीके से सारा थोड़ा थोड़ा करके जो हमारी कद्दूकस की हुई मूली है उसे उसका पानी निकाल देंगे, और उसे दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। तभी तो इसमें जो सारा मिक्सचर है, मसाले हैं, वो मिक्स होंगे अच्छे, और हमारे जो परांठे भी वो अच्छे फूल फूल के बनेंगे, और क्रंची और क्रिस्पी बनते जाएंगे। मूलियों में से पानी निकल चुका है, अब हम इसमें करेंगे अपने मसाले ऐड। इसमें हम सबसे पहले इसे एक बड़े से बाउल में या प्लेट में निकाल लें, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए अनियंस, यानी कि चॉप किए हुए प्याज डालेंगे, जिसके साथ इसका टेस्ट वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद दो हरी मिर्च चॉप की हुई डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो आप। और इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून अजवाइन का, अपने हाथों में लेकर इसे मसल कर डाल दें। और ये स्टमक के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे जो मूली के परांठे, कईयों को इससे स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 टेबलस्पून, और लास्ट में डालेंगे जो हमारा गरम मसाला है हाफ टेबल स्पून। और जो हमारा नमक है, जब हम इसकी स्टफिंग करने के लिए रेडी होंगे ना, हमारा जो पेड़ा है उसमें स्टफिंग करेंगे, तब हम नमक डालेंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा और हमारे जो मूलियों के परांठे हैं वो अच्छे से बन के तैयार नहीं होंगे। हमने सारे मिक्सचर को अपने हाथों से मिक्स कर लिया अच्छे से, अब हम इसे साइड पर रख देंगे। इसके बाद आप परांठों के लिए स्टिफ डो लगा सकते हो, यानी कि थोड़ा सा हार्ड डो ही लगाना है, जो हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा हार्ड, परांठों के लिए जैसे हम आटा गूंथते हैं। अब हमारा ऑलरेडी डो रेडी है, हम इसमें स्टफिंग के लिए ये हमारा जो मिक्सचर है वो भी रेडी है। इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हो। अब हम इसे करेंगे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स, और हम अब आटे में से थोड़े से पेड़े काट लेंगे, और उसकी लोई बनाकर उसमें जो स्टफिंग है वो हमारी भरेंगे। अब जब स्टफिंग परांठे बना ही रहेंगे, तो हम स्टफिंग जो है ना उसमें थोड़ी सी ज़्यादा भरेंगे, क्योंकि जो सब्जियों के स्टफिंग परांठे होते हैं ना, वो खाने का ही मज़ा तब है जब उसमें स्टफिंग अच्छे से फिल हो। अब हम इसे बेल चुके हैं, और इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी,
उसे स्प्रेड करेंगे और इसमें मूली का जो मिक्सचर है उसे अच्छे से फिल करेंगे और इस तरीके से किनारों से मोड़ते हुए हम इसे जो हमारा परांठा है उसे बंद करेंगे। इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके, और अब इसकी बारी है बेलने की। अब इसे आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बेले गोल गोल, इसका गोल गोल आकार दें। और सूखा आटा लगाने के बाद अब हम इसे किनारों से भी पतला करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे घी। घी के साथ ये जब हम सेकेंगे ना तो ये पहले चिपकेगा ही नहीं। घी लगाने के बाद हम इसकी लुक चेंज करने के लिए और एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमारी सूखी मेथी है ना, वो इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद ऐसे हाथों से प्रेस कर दें। अब हमारा जो परांठा है वो सिकने के लिए तैयार हो चुका है। अब बारी है इसके सेकने की। जो तवा है हमारा वो भी गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर टर्न करेंगे। एक साइड से सिकने के बाद अब हम इसे दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे। इस तरीके से फिर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगाते हुए हम इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से, और क्रिस्पी होने तक इसे सेकते जाएंगे घी लगाते हुए। हम इसे दोनों साइड से इसे अच्छे से घी लगा के इसे पकाते जाएंगे, इसे क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। आप जब घी में परांठे बनाएंगे ना उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा होता है ऑयल की जगह। ये हमारा जो परांठा है लगभग बन के तैयार हो चुका है, लुकिंग वेरी वेरी यमी। मेरे से तो वेट नहीं हो पा रहा। आपने इसी तरीके से सारे के सारे परांठे बना के तैयार कर लेने। ये बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा परांठा बन के तैयार हुआ है, आप देख ही सकते हो गाइस। भी अच्छे और स्टफ्ड परांठे खुद भी खाएं, परिवार को भी खिलाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। और अभी तक गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems, how long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Drama, but I'm not ready to give in.